जैसे कि हम यहाँ पर लेआउट में जा रहे हैं, कॉलम गाइड पर जा रहे हैं, अभी वन कॉलम आ रहा है, आपको टू कॉलम करना, ओके कर देंगे, तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा आपका। आप जब यहाँ पर कुछ लिखेंगे अलग अलग कॉलम में होंगे, ये कॉलम अलग हो गया आपका। फिर से हम लेआउट पे जा रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है कॉलम गाइड, आपको वन ही करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दो वन, और यहाँ पर आ रहा है स्पेस बिटवीन कॉलम, कॉलम दो कॉलम के बीच में स्पेस कितना आना चाहिए, अभी आ रहा है 0.1, ठीक है। अगर आपको बढ़ाना है या कम करना है, जैसे कि हमने यहाँ से 0.2 कर दिया, ओके कर देते हैं, एक पहले तो वो कॉलम ही बंद हो गया, यहाँ से बंद है कॉलम, हम इसको कर देते हैं टू, ठीक है। यहाँ पर जा रहे हैं हम और कॉलम गाइड में जा रहे हैं, इसकी बीच की जो स्पेस बिटवीन कॉलम्स अगर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी होता नहीं, 0.5 कर देते हैं, देखो स्पेस बढ़ गया, ठीक है। इस तरह से आप कॉलम के, दो कॉलम के बीच का स्पेस बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। वापिस आपको नॉर्मल करना है तो आप इस पर, इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी मास्टर गाइड्स, ठीक है। अब इसके बाद इसमें अगला है टाइप, यहाँ से आप फॉन्ट सिलेक्ट, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, जैसे अपन एमएस वर्ड में करते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और टाइप में जा रहे हैं, यहाँ से फॉन्ट कैसा रखना है आपको, फॉन्ट जो भी रखना है आपने सिलेक्ट करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रही है। यहाँ से अपन जैसे एमएस वर्ड में, एक्सेल में फॉन्ट चेंज करते हैं, उसी तरह से आप इसमें भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ इसमें कुछ ही फॉन्ट्स नहीं है, तो जो भी आपको फॉन्ट रखना है। ये साइज का, आपको आपके डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है उसकी साइज क्या रखनी है, हमने 24 कर दी, पढ़ गए, यहाँ से भी कर सकते हो आप, यहाँ से भी कर सकते हो, कैरेक्टर स्पेक्स है, ठीक है। ये लीडिंग है, इस ऑप्शन से आप अभी ऑटो सेलेक्ट है, इसकी शॉर्टकट क्यों होती है अल्टर शिफ्ट और ये कंट्रोल ए, ठीक है। और आपको लाइन के बीच की स्पेसिंग क्या रखनी है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको इसके लाइन के बीच की स्पेसिंग क्या रखनी है लीडिंग से, ठीक है। जैसे 48 कर दिया, ज्यादा हो, आपको नॉर्मल करनी है, टाइप पर जाइए आप, लीडिंग पर जाइए और इसको यहाँ से कर दीजिए ऑटो नॉर्मल, ठीक है।